सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेटिव यूनिवर्स चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए रोज नए नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ कि देश का जो हालात है, इस हालात के वजह से सरकार के ओर से जो रिलीफ आ रहा है और रिलीफ क्या क्या है और किसको मिलने वाला है, सब कुछ डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो छोटा होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फास्ट से लास्ट तक देखिए ताकि आपको पता चले कि क्या क्या रिलीफ आने वाला है, तो हम लोग फुल्ली डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता चले कि क्या क्या मिलने वाला है सरकार की तरफ से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग वन बाय वन जितना भी रिलीफ है रिलीफ के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो रिलीफ है वो है कोरोना वायरस रिलीफ पैकेज, फ्री गैस सिलेंडर्स टू उज्वला बेनिफिशियरीज फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। मतलब क्या हो रहा है, जो उज्वला के बेनिफिशियरीज हैं उनको 3 मंथ तक फ्री गैस मिलने वाला है। तो देखिए, अगर आपके पास उज्वला के सिलेंडर है तो आपको बिल्कुल 3 मंथ के लिए गैस का कोई टेंशन नहीं है, आपको फ्री में 3 मंथ के लिए गैस मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रिलीफ जो सरकार की ओर से आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट रिलीफ देख लीजिए, गवर्नमेंट टू ट्रांसफर ₹2000 अंडर पीएम किसान स्कीम टू 8.69 करोड़ फार्मर्स इन अप्रैल फर्स्ट वीक। मतलब जो पीएम किसान के बेनिफिशियरीज है तो उन लोगों को 2000 करके मिलने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको फर्स्ट किस्त मिल गया है, सेकंड थर्ड किस्त नहीं मिला है, फिर सेकंड किस्त मिल गया लेकिन थर्ड किस्त नहीं मिला है, तो ऐसे बहुत उन लोग होंगे। तो उन लोगों को कोई भी किस्त मिल सकता है, सेकंड थर्ड या फर्स्ट कोई किस्त मिल सकता है, लेकिन उनको ₹2000 मिलेगा ही मिलेगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। फिर नेक्स्ट रिलीफ को देख लीजिए, वुमेन जनधन अकाउंट होल्डर टू गेट ₹500 पर मंथ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। तो देखिए, इसमें क्या बोला गया है, अगर आपका जनधन अकाउंट है या आप जनधन अकाउंट का होल्डर है तो आपको 500 करके पर मंथ मिलने वाला है, 3 मंथ आपको मिलेगा, यानी आपको ₹1500 मिलेगा जनधन अकाउंट में। तो ये भी गवर्नमेंट की ओर से आएगा और आपको रिलीफ के तौर से दिया जाएगा। तो देखिए, अगर आपको पता नहीं है कि जनधन अकाउंट होता क्या है, तो देखिए बहुत सारे लोग जानते हैं कि मोदी अकाउंट बोल के बोलते हैं, जो जीरो बैलेंस का एक अकाउंट बनाया था जिसमें बोला गया था कि 15 लाख करके पैसा इस अकाउंट में आने वाला है, उसी अकाउंट को जनधन अकाउंट बोला जाता है। तो उसी अकाउंट में आपका पैसा आने वाला है, 500 करके आपको 1500 मिलने वाला है। तो ये गया आपका थर्ड रिलीफ जो सरकार की ओर से दिया जा रहा है फर्स्ट अप्रैल से। फिर नेक्स्ट रिलीफ को देख लेते हैं। तो देखिए, ये रिलीफ नहीं है, एक स्कीम है जो डॉक्टर के लिए या हेल्थ केयर का जो भी वर्कर है सभी के लिए है। तो देखिए, इसमें लिखा गया है ₹50 लाख इंश्योरेंस कवर फॉर डॉक्टर्स हेल्थ केयर वर्कर्स फाइटिंग कोरोना वायरस, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। मतलब जो निर्मला सीतारमन ने एक अनाउंस किया है कि जो भी डॉक्टर या हेल्थ केयर वर्कर, नर्स जो भी हो, मतलब अगर अभी भी ड्यूटी कर रहे हैं कोरोना वायरस को लेके, तो उनको 50 लाख का इंश्योरेंस दिया गया है। अगर उनको किसी भी कारण डेथ हो जाता है तो उनका जो फैमिली है, फैमिली को 50 लाख रुपीस मिलेगा। तो ये था 4 रिलीफ यानी स्कीम जो गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिश किया गया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू।